अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पास्ता बनवाने लगी हूँ और मेरे पास चीज़ भी नहीं है। मैंने सोचा चलो मैदे से ही बनाती हूँ पास्ता सॉस। और इसके लिए मैंने मक्खन भी छोड़ने था, इसलिए ऑयल में मैदे को ज़रा भूनूंगी थोड़ा सा। फिर इसको भून के इसमें दूध मिक्स करूँगी। दूध मिक्स करके तो इसकी सॉस बन जाएगी। अब इसको चूल्हा पक्का करके इसमें दूध मिक्स कर लें और इसको आग से पीछे पीछे करके या चूल्हा बंद कर लें और पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें दूध में, कि ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। फिर बाद में चूल्हा ऑन कर दें और इसको पका लें ताकि ये क्रीमी हो जाए। फिर हम इसके अंदर नमक काली मिर्च मिक्स करेंगे। ये देखें चूल्हा बंद है, चूल्हा इसलिए बंद किया था ताकि इसकी गुठलियाँ ना बन जाए। अब अगर हम इसको चाहें तो इसके अंदर और दूध मिक्स कर लें। अगर हमने इसको पतला करना होगा तो हम इसके अंदर और दूध मिक्स कर लेंगे। अब इसको पकाना है थोड़ा सा। ये देखें अब मैंने इसमें 1 कप दूध डाला है क्योंकि वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया था। अब इसके अंदर मैं ये डाल लूँगी काली मिर्चें पिसी हुई, तकरीबन 1 चम्मच काली मिर्च और ये 1 और थोड़ा सा नमक, चम्मच नमक। और इसके अलावा मिक्स हर्ब्स डाल लेंगे। मिक्स हर्ब्स डाल के ये देखें ये मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ, तकरीबन 1 चम्मच मिक्स हर्ब्स का डालना है। इसको डाल के तो मिक्स करें। ये व्हीट पास्ता मैं बॉईल कर रही हूँ। अभी हमारी सॉस तैयार है और ये पक रही है। जब इसको एक उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें ये शिमला मिर्च और कटा हुआ प्याज डाल के इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। फिर इसके बाद पास्ता बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, जब पास्ता बॉयल कर लेंगे तो उसको मिक्स करेंगे। ये मैंने अंदर शिमला मिर्च और प्याज डाल दिया है। अब इसको हल्का सा पकाएंगे और अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप चिली का सॉस भी डाल सकते हैं। ये जैसे मेरे पास कन्नौर की चिली गार्लिक सॉस है तो ये भी डाल ली जा सकती है। इससे भी ज़रा स्पाइसी हो जाएगा फ्लेवर। अगर बच्चे मतलब स्पाइसी खाना चाहें तो आप ये भी मिक्स कर सकते हैं जी। हमारा वाइट सॉस पास्ता चीज़ के बगैर तैयार है। और अब अगर चाहें तो इसमें हम चिली सॉस मिक्स कर सकते हैं अगर जिसको स्पाइसी बनाना हो। टमाटो केचप भी मिक्स कर सकते हैं, बच्चों के लिए जैसा बच्चों को पसंद हो वैसे भी खाया जा सकता है। ये लें जी पास्ता तैयार है। अब मैं इसको खाऊंगी और फिर इसका टेस्ट पता चलेगा कैसा है।